सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब सेंटर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर की नए एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप अपने थंबनेल में देख पा रहे हैं कि CAPF में निकलने वाली है आने वाले 2019 में बम्फर भर्ती निकलने वाली है, जिसकी ऑनलाइन जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही भी दिया है कि आपका जो वैकेंसी है इस बार नई वैकेंसी आने वाली है CAPF के अंदर। उस वैकेंसी की संख्या है 84,000। दोस्तों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है यार, ये कोई गलत न्यूज़ नहीं है, पूरी ऑफिशियल जानकारी है दोस्तों। तो आगे मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये होम अफेयर्स की नौकरी है दोस्तों, जिसमें कि आपकी वैकेंसी मिलेगी आसाम राइफल, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और CAPF या सेंट्रल रिजर्व इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडो टेरिटोरियल बॉर्डर पुलिस सशस्त्र सीमा बल में लगभग 84,000 वैकेंसी है दोस्तों, जिसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई दोस्तों मई महीने में इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर योग्यता की बात करें तो इसमें आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी बोर्ड चल जाएगा लेकिन 10वीं पास होना अनिवार्य है दोस्तों। और आगे अगर बात किया जाए अगर आगे इसके बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं CRPF में आपकी जो वैकेंसी होने वाली है वो है 22,980 होने वाली है। BSF में अगर बात करिए आपकी जो वैकेंसी होगी वो होगी 21,465 पोस्ट। CSM में इस भर्ती होगी दोस्तों 10,415 पोस्ट। SSB में अगर बात करें तो 18,102 पोस्ट। अगर नीचे आए तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि ITBP में हो गई है, ITBP में आपकी जो पोस्ट मिलेगी दोस्तों वो होगा 6,643 पोस्ट। और आसाम राइफल एंड आर में आपकी जो भर्ती मिलेगी 4,432 पोस्ट। टोटल मिलाकर हो जाए तो 84,037 पोस्ट, इसको मिलाकर चले 84,000 पोस्ट आपकी निकलने वाली है। इसकी ऑनलाइन डेट लगभग मई या जून महीने में स्टार्ट होगी, क्योंकि फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये 23 फरवरी से 1 मार्च तक एम्पोलमेंटन्यूज़ ने यही भी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसे कि NTPC रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है 1,30,000, इसके साथ इसकी भी वैकेंसी में शामिल की गई थी दोस्तों। अगर बात करें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें इस बार नए एक पोस्ट में ज्वाइन जो है एनएसजी में इसमें भी इस बार बहुत सारी भर्ती निकलने वाली है। तो इसकी लगभग आप मान के चलिए इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो लगभग मई से लेकर जून के इसकी ऑनलाइन जरूर होगी दोस्तों, क्योंकि सूत्रों से ही जानकारी मिल रही कि इसकी ऑनलाइन जरूर बहुत सारे पोस्ट अब भी खाली है। तो इसीलिए सरकार चाहेगी कि 10 से 2 इस पोस्ट को खाली किया जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं करंट की बात करें तो CSM में अभी करंट एक्टिव पर 1,80,000 अभी वैकेंसी खाली है, क्योंकि अभी इसमें वैकेंसी खाली नहीं है। अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में लगभग आपकी जो पोस्ट है लगभग 20,000 से 30,000 पोस्ट अभी खाली हैं दोस्तों, यानी 20,000 से 30,000 पोस्ट खाली हैं अभी NSG में भी। तो इसलिए शायद सरकार भी इसके बारे में सोच रही है कि जल्दी से जल्दी इसकी वैकेंसी जल्द किया जाए दोस्तों। अगर जैसे भी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आ जाएगा आने वाले टाइम में, जल्दी से जल्दी वैकेंसी भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी दोस्तों। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सामने एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन दिया होगा दोस्तों, ऐसे करके बेल आइकन देखा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे जितने भी सारे मेरे गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ताज़ा वीडियो लाता रहता, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।